एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AS. आप लोग कैसे हैं दोस्तों बताओ। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलो मैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ मिली हूँ। प्योर मड बहुत मुश्किल से मुझे मिला है, एक बार और मिला था तो मैं थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा क्वान्टिटी में बनाई थी, मैं फिर से ले आई हूँ। और भी है, मैं कल भी ला के फिर से इसको बनाऊंगी। आज इतना ही मैं ला पाई क्योंकि बहुत भारी होता है, बहुत दूर से लाना पड़ा, तो मैंने देखा तो मैं मड उठा के ले आई। ये प्योर मड है, ठीक है, इसमें ये मुल्तानी मिट्टी मैं नहीं डाल रही हूँ, प्योर मड है। बहुत हार्ड है, देख सकते हो, टूटता भी नहीं है, देख रही हूँ। चलो, कलर बहुत ही अच्छे हैं, एकदम येलो येलो, तो चलो मैं बनाती हूँ। अब देखो, आप लोग भी ले लेना टब, और इसमें आप पानी डाल सकते हो, जितना चाहिए उतना डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक बाल्टी पानी डाल दिया, ठीक है, उसके बाद इसको मड को डालना है इसमें, क्योंकि इसलिए मैं बोली कि जितना मन जितना पानी ले सकते हो। इसको लेने के बाद इसको एकदम पतला लिक्विड बनाना है, एकदम पतला सा लिक्विड बना के शिफ्ट करना है दूसरे टब में, ठीक है। भिंगो ना एक तरह से देखा जाए, ठीक है, आप लोग भिंगो दो। भिंगो ना बड़ी बड़ी सी चम्मच, वाह कितने अच्छे से ये मेल्ट हो जा रहा है। ये बड़े चंक तो मेल्ट नहीं हो रहे, बहुत ही हार्ड होते हैं, टूट मेरा ये टूटा। ये तो मेल्ट ही नहीं हो रहा भाई, देखो सारे मेल्ट हो गए, ये पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या जड़ी ये भी। आप लोगों को ऐसे मेल्ट कर लेना है पूरा अच्छे से, एक दिन के लिए आप पूरे छोड़ दो, ठीक है। जैसे मैंने इसलिए ये कम पानी लिया, आप और भी फुल टब पानी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये टूटा हुआ, बाकी सब जो टब है ना वो बिजी है अभी फ़िलहाल, क्योंकि उनमें सारे टेक्सचर रखे हुए हैं, मुझे प्रिपेयर करना है, तो मैं इसलिए सोची कि मैं टूटा हुआ टब में ही कर देती हूँ। मैं सोच रही कि पार्ट वन अभी डाल दूँ, फिर पार्ट टू दूसरे टब दूसरे दिन डाल दूँ, मतलब कल डाल दूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएंगे तो मैं सुबह इसका ही कर दूंगी शिफ्ट, तो आपको दिखा दूंगी, है ना।
देखो ये अभी चंक्स बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रहा, बहुत बड़े चंक्स थे, बाकी सब मेल्ट हो गए, कुछ कुछ बाकी हैं, बाकी सब मेल्ट हो चुके हैं। चलो आप लोग देख लीजिए इसको क्या करना है, रात भर भिगो के छोड़ देना है, मेल्ट होने देना है इसको, और ये जो जो अभी चंक्स नहीं गले हैं उनके लिए वेट करना है, और फिर कल शिफ्ट करना है। कल शिफ्ट करूँगी तो पार्ट टू हो जाएगा, ठीक है, आज पार्ट वन ही रहने देती हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ मर्ड सैंड भी बना दूँ, मर्ड सैंड अगर बनाऊँगी तो आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। चलो तब तक के लिए बाय, और मैं इसको मेल्ट होने देती हूँ बिल्कुल ऐसे। कलर आप लोग बताना मर्ड का कैसा है, मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, मैं प्योर सीमेंट तक नहीं डालूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है ना कलर डल हो जाता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे, और मेरा सारा टेक्सचर आप लोगों को पता है कि सॉफ्ट होता है, लेकिन पता नहीं मर्ड कैसा होता है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ आगे क्या होता है। तब तक ले आएगी, देखो क्या क्या जड़ियाँ निकल रहे हैं, ये प्योर मर्ड है, ठीक है। तब तक लिए आप बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। पार्ट टू आने के बाद शेयर करना, क्योंकि पूरा फुल हो जाएगा मल्टी ट्यूटोरियल, ठीक है फ्रेंड, बाय।